हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये वीडियो कर रहे हैं। आज हम टेनिटाइटिस के बारे में बात करेंगे। टेनिटाइटिस यानी कान का बजना या फिर कान में से आवाज़ आना, कान में आवाज़ आना, ये एक बीमारी है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और मैं बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बहुत इन डेप्थ जाऊँगा। और काफ़ी लोगों को आदत होती है वीडियो स्किप कर 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 देखते हैं, लेकिन इस वीडियो के साथ ऐसा मत कीजिए, बिकॉज यू नो किसी भी बीमारी को अगर हम एक बीमारी एक दुश्मन की तरह होता है, अगर हम दुश्मन को अच्छे से समझे तो ही हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। टेनिटाइटिस क्या होता है, कान बजना ये एक बीमारी क्या है? काफ़ी बार कान में आवाज़ आने लगती है और ये आवाज़ बंद ही नहीं होती है, जीवन भर चलती रहती है, इसे टेनिटाइटिस कहते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर उसे कहा जाए तो उसे ऐसे इंस्टेंट रिएक्शन ये होते हैं, उसमें क्या हो गया यार, कान में आप रुई डाल दो या कान बंद कर दो, आवाज़ बंद हो जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक्चुअली ये आवाज़ कान के अंदर से ही आ रही होती है, तो अगर कान बंद करते हैं तो आवाज़ और बढ़ जाती है। टेनिटाइटिस दो तरह का होता है। एक टेनिटाइटिस इस तरह का होता है जिसमें स्टेथोस्कोप अगर कान को लगाया जाए तो वो आवाज़ स्टेथोस्कोप में डॉक्टर को सुनाई देती है, और दूसरे तरह का टेनिटाइटिस ये होता है जिसमें मरीज़ को आवाज़ सुनाई देती है, डॉक्टर को या किसी भी दूसरे इंसान को वो आवाज़ पता नहीं लगता है कि उसके कान में बज रही है। टेनिटाइटिस के केस में मैंने ये देखा है कि काफ़ी महीनों तक मरीज़ को टेनिटाइटिस होता है, कान बज रहा होता है, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि उसका कान बज रहा है। उसका कारण है कि शुरुआत में वो आवाज़ कम होती है, वो आवाज़ कभी कभी आती है, या फिर वो आवाज़ कम होती है। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे स्ट्रेस बढ़ता है काफ़ी बार वो आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन शुरुआत में बिकॉज मरीज़ को पता नहीं होता है कि उसको ये डिसीज़ हो रखा है, तो उसका ज़िंदगी के व्यस्तता पे ज़्यादा ध्यान होता है और शुरुआत के महीनों में उसको पता भी नहीं लगता है। और इससे बिकॉज वो इसकी दवा कराता नहीं है और इससे ये और मामला बढ़ते जाता है। और कान के बजने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चीज़ ऐसे भी होती है कि कान जब बजता है तरह तरह के अलग अलग मरीज़ों को अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वॉल्यूम भी किसी का कम होता है, कुछ मरीज़ों में ज़्यादा होती हैं, और मन भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग खेल खेलता है। काफ़ी बार ट्यूबलाइट जैसी आवाज़ आती है या फिर रात को जो कीड़ा आवाज़ करता है जंगल में, इस तरह की आवाज़ किसी किसी को सुनाई देती हैं। और काफ़ी बार आदमी का सबकॉन्शियस जो है वो उस आवाज़ को बढ़ा देता है, बिकॉज होता ये है कि एक पर्टिकुलर आवाज़ आ रही होती है और सबकॉन्शियस ये समझने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, और ये समझने के चक्कर में उसमें मन कुछ और आवाज़ें भी ऐड कर देता है। इस तरह का भी मैंने देखा है। तो कुछ मरीज़ों को अगर पूछो तो आपको तो वो बताते हैं कि एक पर्टिकुलर आवाज़ आता है लेकिन उसके साथ साथ भी और भी काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं, लेकिन अगर ध्यान दे मरीज़ और इन्वेस्टिगेट करे कि एग्जैक्टली आवाज़ क्या आ रही है, तो बाकी की चीज जो फिजूल आवाज़ें हैं जो माइंड ऐड करता है ये समझने के चक्कर में कि ये आवाज़ किस तरह का है, वो आवाज़ें गायब हो जाती है। तो इसमें और एक ये परेशानी होती है कि एक पर्टिकुलर आवाज़ आ रही होती है उसमें मन भी कुछ आवाज़ें ऐड कर देता है। ये भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कान के बजने के बारे में। अब ये समझते हैं कि कान का बजना किन कारणों से हो सकता है। तो इसमें कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने जो देखे हैं वो एक ये है कि कान में कुछ मरीजों के कचरा बहुत ज़्यादा जम जाता है, जिसे ईयर वैक्स कहते हैं, और काफ़ी बार ईयरबड्स के इस्तेमाल से, और स्पेशली जब वो बार बार ईयरबड्स कान में डालते हैं और अंदर तक ईयरबड को घुमाते हैं, तो काफ़ी बार वो कचरा जो पर्दा होता है उसके तरफ चले जाता है और पर्दे के साथ जा कर के चिपक जाता है, और उसके कारण काफ़ी बार कुछ मरीज़ों में कान बजना शुरू हो जाता है। तो
स्पेशली कान के सभी रोगों में काफी बार मैंने देखा है ईयरबड्स का ओवर इस्तेमाल जो है वो कान को खराब करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ईयरबड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, 3-1 महीने में एक बार कान साफ करे काफ़ी होता है। और अगर ईयरबड यूज़ करे भी तो बहुत ज़्यादा उसको अंदर ना घुसेड़े। और स्पेशली अगर आप नहाते हैं तो नहाते वक्त सर को सीधा रखिए, पानी को कान के अंदर जाने से रोकिए, जाने ना दे, बिकॉज उससे इरिटेशन होता है, उससे फिर आदमी खुद के कान के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कान कर्ण रोग को जन्म देती हैं। दूसरा कारण कान के बजने का ये होता है पर्दे की विकृति, पर्दे में कुछ क्षति आ जाना, तो इससे भी कान बजने लगता है। तीसरा कारण कान बजने का होता है इन्फेक्शन या फिर सूजन, अगर संक्रमण हो गया है कान में या और सूजन हो गई है, उससे भी कान के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अंदर इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूजन हो जाती है और उससे कान बजने लगता है। स्पेशली मैंने ये भी देखा है कुछ केसेस में जहाँ पे स्विमर्स काफ़ी बार ऊपर से जंप लगाते हैं, डाइव लगाते हैं, काफ़ी बार अगर वो कान में ये स्पंज वाले जो ईयर लॉक्स होते हैं वो अगर नहीं पहनते हैं तो ऐसे में पानी जो है वो जोर से कान में इंजरी करता है और उससे भी काफ़ी बार कान फट जाता है और कान के कर्ण रोग होते हैं। तो स्पेशली स्विमर्स को ध्यान रखना चाहिए, या तो फिर कैप पहने जिससे कि कान में जोर से पानी रगड़ ना खाए, और स्पेशली जो बर्ड्स होती हैं जो कान को लॉक करने के लिए स्पंज के होते हैं, स्विमर्स ने वो डेफिनेटली पहनना चाहिए। और चौथा कारण कान के बजने का होता है काफ़ी बार एक्सीडेंट, काफ़ी बार कोई ख़राब एक्सीडेंट हो जाए, खोपड़ी फट जाए, इंजरी हो जाए, उससे भी कान बजने का प्रॉब्लम होता है। पांचवा प्रॉब्लम मैंने ये भी देखा है कि साउंड को, हैवी बड़े साउंड को एक्सपोजर के कारण भी कर्ण रोग होते हैं, जैसे कोई बड़ा एक्सप्लोजन है या फिर फटाका है या फिर ग्राइंडर की आवाज़ है और आप बहुत उसके नज़दीक खड़े हुए हो, या फिर डीजे अगर है, डीजे को आप बहुत बार एक्सपोज होते हो, तो ऐसे कभी भी बहुत ज़्यादा साउंड हो आपके आसपास तो क्या करना चाहिए, कान में एक तो जो स्पंज के जो लॉक्स होते हैं वो पहनना चाहिए, या फिर सबसे बेस्ट है कि उस आवाज़ से दूरी बनाई जाए, डिस्टेंस दूर हट जाए, या फिर किसी भी चीज़ का कवर ले, दीवार के पीछे चले जाए और डायरेक्टली साउंड वेव्स को एक्सपोज ना हो, या फिर सबसे इजी देसी तरीका है कान में उंगली जोर से घुसेड़ करके और कान को बचाना, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और छठा जो कारण है कान बजने का, वो बहुत ही कॉमन आजकल जो कारण है वो है स्ट्रेस। काफ़ी लोग स्पेशली पीसी में लगे रहते हैं या फिर मोबाइल में स्पेशली घंटों लगे रहते हैं, या फिर बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है, उससे खास करके जो है वो कर्ण रोग होते हैं। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस से कर्ण रोग क्या क्या लेना देना है, लोगों को हेयर लॉस समझ में आता है स्ट्रेस के कारण, या फिर आईब्रोज का उड़ना समझ में आता है, या फिर नींद ना आना, इंसोमनिया ये समझ में आता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो मेंटल प्रॉब्लम समझ में आते हैं, माइग्रेन हो जाए ये समझ में आता है लोगों को, या फिर आंखों के नीचे काला हो जाए ये भी समझ में आता है। लेकिन ये आजकल हो रहा है, और अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये सब क्या है, ये लिंक है, ये सब ये अलग नहीं है, ये सब नस नाड़ियाँ जो है कान में भी जाती है, अगर दिमाग में स्ट्रेस होगा तो जो कान में नसें जाती है वो भी अफेक्ट होगी ही, तो ये समझने वाली बात है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो भी स्ट्रेस को लेकर के ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उन्हें आजकल कर्ण रोग हो रहे हैं। और स्पेशली मैंने ये देखा है कि काफ़ी बार उनको लेफ्ट साइड पे ये ज़्यादा होता है। अगर आप ब्रेन को अच्छे से समझे, अगर आप ब्रेन का साइंस जानते हैं, तो राइट वाला जो ब्रेन होता है वो इमोशनल ब्रेन होता है और वो लेफ्ट साइड, बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो जब आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होता है और अगर वो मोबाइल पे घंटों लगे रहता है और ऑब्सेसिव होता है और
उसका लॉजिकल ब्रेन, जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, वो उसे कह रहा होता है कि यार मोबाइल बंद कर नहीं तो तू बीमार पड़ जाएगा, लेकिन राइट वाला जो इमोशनल ब्रेन है वो मानता नहीं है और लगे रहता है मोबाइल पे। और राइट वाला जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है बॉडी के। इसलिए मैंने ये देखा है कि ऑब्सेसिवली मोबाइल पे लगे रहने पर जिनको टेनेटाइटिस या कान के बजना या स्ट्रेस और ये सब जो होता है, काफ़ी बार वो लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स होते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप पीसी में बहुत घंटों काम करते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो आपको मेरी सलाह है कि एक या दो साल में एक बार ENT स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाके आएँ। वो क्या करते हैं, दोनों कान में आगे से और पीछे से आवाज़ करते हैं, और अगर आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो यकीनन ऐसा पॉसिबल है कि आपको राइट में ज़्यादा सुनाई दें और लेफ्ट में आपको कम सुनाई दें, और इसमें इस तरह से ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है कान की, ये जल्दी पकड़ में आए। अब इसके उपाय देख लेते हैं कि इसे ठीक करने के लिए क्या करना है। तो इसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में मैं जाऊंगा और मैं आपको अलग अलग फील्ड्स में क्या किया जा सकता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एलोपैथी में देखते हैं क्या कर सकते हैं। पारिजात पे मैंने इससे पहले वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि वात रोगों के लिए आप डॉक्टर के पास मत जाइए। मैं उसके फेवर में नहीं था, बिकॉज एलोपैथी में वात रोगों के लिए अर्थराइटिस वगैरह में सही उपाय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, उल्टा मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि अगर कान बजने का आपको प्रॉब्लम होता है तो तुरंत इमीडिएटली आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है, बिल्कुल जाना है, और ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर के चेकअप कराना है आपको। ENT स्पेशलिस्ट आपका कान चेक करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा करके, यूजुअली कान के सामने भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, कान के पीछे भी बजाते हैं, ऐसे दोनों कान में करते हैं वो, और उससे पता लगता है कि आपकी सुनने की क्षमता खराब हुई है क्या, या आपके कान में क्या प्रॉब्लम है, या इससे एक कंपैरिजन भी पता लगता है कि एक कान में आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है, एक में कम सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि सामने से आपको सही सुनाई दे रहा हो लेकिन कान के पीछे आपको वो बजा करके अलग से इंस्ट्रूमेंट एक देखते हैं, वो काफ़ी बार एक कान में पीछे से ज़्यादा सुनाई दे रहा होता है, दूसरे में कम सुनाई दे रहा होता है। तो इससे कान की पूरी तरह से चेकिंग करते हैं वो लोग, और एक इंस्ट्रूमेंट वो कान के नज़दीक ले जा करके बजाते हैं, और वो हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी तक जाता है आवाज़, और ये चेक होता है उसमें कि आप कितने लो फ्रिक्वेंसी तक आप सुन सकते हो। और इसके बाद वो एक ऑडियोमेट्री भी कराते हैं। ऑडियोमेट्री में आपको कान में आपको हेडफोन्स डाल करके और अलग अलग आवाज़ें अलग अलग स्केल की बजा करके, और वो कान चेक करते हैं कि आपको कितना सुनाई दे रहा है। उसके बाद जो ENT स्पेशलिस्ट है वो आपको अगर कोई इंजरी है तो एंटीबायोटिक्स भी देगा और भी कुछ दवाइयाँ देगा। रफली 7 से 10 दिन का उसका कोर्स होता है, वो इमीडिएटली करना ज़रूरी है। बिकॉज क्या है कि अगर कान में कोई इंजरी है, स्वेलिंग है, और उसके कारण अगर कान बज रहा है, तो एंटीबायोटिक्स से तुरंत उसको दबा करके ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एलोपैथी इसके लिए बहुत ज़रूरी है ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना। और आगे बढ़ते हैं, अब लाइफस्टाइल चेंजेस। काफ़ी बार ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो प्रॉब्लम है कान बजने का वो यूं ही नहीं होता है, काफ़ी साल से आदमी कुछ मरीज़ कुछ इस तरह से उसका लाइफस्टाइल इस तरह से होती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे ब्राउज़ कर रहा हो या काम कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा कर रहा हो, बहुत स्ट्रेस में हो, ऐसे हार्ड लाइफस्टाइल से वो गुजर रहा होता है, जिसमें स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से वो गुजर रहा होता है, तो उसके बाद जाकर के उसको ये बीमारी हुई है। तो अगर इसका कारण हम लोग नहीं दूर करेंगे तो क्या होगा कि ये बीमारी और बढ़ते जाएगी। इसको ठीक करना तो दूर की बात है, और ये बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी और जाकर के आवाज़ें बढ़ जाएंगी,
बढ़ सकते हैं। इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका काम पेशा आपका इस तरह से है जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे वर्क है, या आप बहुत ज़्यादा मोबाइल ब्राउज करते हो, या इस तरह का है, जो भी आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो आपको तुरंत कम करना है, या फिर आपको वो काम छोड़ देना है, बदल देना है, या फिर आपको मैनेजरियल पोजीशन में खुद को डाल देना है जहाँ पे आप दूसरों से वो काम कराते हैं और आपका काम दूसरों को डेलीगेट कर देते हैं, खुद वो काम करने से बचें। और अगर आपको गंदी आदतें हैं मोबाइल ओवर ब्राउज करने की, बहुत ज़्यादा गेमिंग करने की, इस तरह की ऐसे कुछ व्यसन हैं गैजेट्स के जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो वो तुरंत आपको बंद करना है। अब और आगे बढ़ते हैं। बायोकेमिक नाम की मेडिसिन आती हैं, उसमें एक मेडिसिन आती है कालीफॉस, उसमें पोटेंसी आती है 12x, वो आपको लेनी है, 5 गोलियां लेनी है उसकी दिन में 3 बार। ये भी नस नाड़ियों पे अच्छा काम करता है और ये कान बजने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद रूप रहेगा। अब होम्योपैथी में सॉल्यूशंस देख लेते हैं। होम्योपैथी में भी कालीफॉस नाम की, सेम नाम की मेडिसिन आती है, उसमें पोटेंसी है 30 जो आपने लेनी है, और 8 गोलियां लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है। ये भी नस नाड़ियों पे काम करती है और इससे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद होगी। इसके अलावा और एक मेडिसिन लेनी है आपने होम्योपैथी में, सक्सीनम। सक्सीनम आपने लेनी है 200 पोटेंसी, 8 गोलियां लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है। ये सक्सीनम इसलिए लेना है बिकॉज कान के बजने से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, इसमें स्पेशली आदमी को ये फीलिंग आता है कि अरे यार मैं कैसे डिफ़िकल्ट पोजीशन में फंस गया हूँ, मैं लाइफ में इस ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूँ जहाँ पे मेरे कान में कुछ आवाज़ आ रहा है और वो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, वो आवाज़ का स्विच ऑफ नहीं कर सकता हूँ और मुझे ये सहन करना पड़ेगा, और कैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक कैसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ। तो ये जो साइकोलॉजिकल पीड़ा है इसको दूर करने के लिए सक्सीनम बहुत ही काम का है, इसलिए सक्सीनम लेना है। और होम्योपैथी में आपने लेना है अवेना सतीवा, क्यू बोलते हैं उसको, मदर टिंचर आता है, और अश्वगंधा क्यू लेना है, वो भी मदर टिंचर आता है। ये दोनों मदर टिंचर मिला ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। अगर अलग अलग लेते हैं तो एक आधा ग्लास पानी लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप अवेना सतीवा के डालिए, 10 ड्रॉप अश्वगंधा के डालिए और मिला करके पी जाइए। ये दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं, आपने लेना है। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और दिमाग में शांति आपको आएगी और स्ट्रेस आपका कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो ये आवाज़ भी कम होती है। अब बैक फ्लावर रेमेडी नाम की भी कुछ दवाइयाँ आती हैं, होम्योपैथी के शॉप पे ही मिल जाती है, उसमें भी कुछ मेडिसिंस लेने हैं वो डिस्कस करते हैं। तो बैक फ्लावर में आपने लेना है नंबर 1 मिम्यूलस। अब ये मिम्यूलस लेना है आपको, 4 से 5 गोली लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है। ये नॉन फियर के लिए होता है, यानी इंसान को, मरीज को डर है किसी बात का, और किस बात से उसे डर फील हो रहा है वो उसे पता है अगर ऐसी सिचुएशन है, इसलिए ऐसे में मिम्यूलस लिया जाता है। तो टेनेटाइटिस में होता यह है, शुरुआती कुछ दिनों में जब पता लगता है कि यह टेनेटाइटिस हो गया है तो इंसान बहुत ही साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है, डाउन हो जाता है, डर जाता है कि अब मेरे लाइफ के साथ क्या होगा। तो ये डर भगाने के लिए आपने मिम्यूलस लेना है। और इसके अलावा बैक फ्लावर में एक और आती है दवाई वॉलनट, वो भी लेनी है। वॉलनट भी 5 से 6 गोली लेनी है मिम्यूलस के साथ ही, दिन में 4 बार वॉलनट भी लेना है। वॉलनट इसलिए लिया जाता है बिकॉज लाइफ में जब भी स्थाई चेंज आ जाता है तब ऐसे सडन और स्थाई चेंज से एडजस्ट करने के लिए वॉलनट मेडिसिन बहुत ही मदद करती है, इसलिए वॉलनट लेना है। बिकॉज अब तक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी और एकदम से पता लगा है कि टेनेटाइटिस हो गया है और वो कान में आवाज़ें आने लगी है, अब लाइफ पहले की तरह रही नहीं है, सामान्य रही नहीं है,
लाइफ में ये जो नेगेटिव चेंज है इससे एडजस्ट करने के लिए वॉलनट लेना है। और आगे बढ़ते हैं, अब योग में सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो आसन इसमें बड़े काम के हैं, एस्पेशली शीर्षासन और सर्वांगासन इसमें बड़े काम का है, बिकॉज ये सर में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। और टेनिटाइटिस है क्या, ये एक शिरो रोग है, शिरो रोग यानी सर का रोग। अब इसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टेनिटाइटिस ठीक हो जाने वाला है। तो शीर्षासन कीजिए और सर्वांगासन कीजिए, दिन में दो बार कम से कम कीजिए। और याद रखिए, शीर्षासन और सर्वांगासन जितना दिखता है उतना ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात से सावधान कर दूँ कि अगर आपको इंज्योरी है कान में, तो इंज्योरी जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक आसन नहीं करने चाहिए। अब प्राणायाम देख लेते हैं। प्राणायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्राणायाम से टेनिटाइटिस 100% ठीक होता है। तो प्राणायाम में आपने करना है एक नंबर एक कपालभाती। कपालभाती आपको सुबह शाम दो बार करना है, जितना भी आप कर सके यथाशक्ति करना है। इसके अलावा आपने भ्रामरी करना है। भ्रामरी का मतलब होता है कि ये अंगूठा कान के अंदर डाल करके और बाकी के उंगलियां आंखों के सामने रख करके, मुंह बंद रख करके, सांस अंदर लेकर के सांस बाहर निकालते समय ओम का जप करना, इसे भ्रामरी कहते हैं। तो भ्रामरी आपको 5 से 6 बार सुबह करना है, 5 से 6 बार शाम को करना है। इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। और इसके अलावा आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम आपने करना है धीरे धीरे और लंबा लंबा। अपने सांस अंदर लेनी है, तकरीबन 6, 7, 8 गिनने तक सांस अंदर लेनी है, फिर कुंभक करना है यानी सांस रोक लेनी है, फिर आपको 8, 10, 12 गिनने तक सांस धीरे धीरे छोड़नी है, और छोड़ करके वापस 4-5 सेकंड, 6 सेकंड यथाशक्ति आपने सांस रोकनी है, फिर से लंबा खींचना है, सांस अंदर रोकनी है और लंबा छोड़ना है, छोड़ करके सांस रोकनी है। यूं ही अगर सिर्फ अनुलोम विलोम किया जाए कुंभक किए बगैर यानी सांस रोके बगैर, और फास्ट अगर अनुलोम विलोम किया जाए तो इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर धीरे धीरे अनुलोम विलोम करते हैं, लंबा लंबा अनुलोम विलोम करते हैं और सांस रोक करके अनुलोम विलोम किया जाए तो ये चमत्कार की तरह काम करता है, और इससे 100% ये प्रॉब्लम ठीक होता है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इंजरी है तो आपने कपालभाती नहीं करना है, आपने सिर्फ भ्रामरी और अनुलोम विलोम ही करना है, और अनुलोम विलोम बड़े धीरे धीरे करना है। अब कुछ फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, मसाज, ये टेक्निक्स देख लेते हैं जो कि इसमें काफ़ी कारगर है। तो फिजियो एक एक्सरसाइज आती है जबड़े की, ये इसमें इसको सॉल्व करने में काफ़ी मदद रूप होती है। करना क्या है, आपको जबड़े को नीचे खींचना है और नीचे खींच करके ऊपर की तरफ खींचना है, इस तरह से। ये टेक्निक काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके अलावा आपने ये पॉइंट्स दबाने हैं, कान को दबाना है दिन में 2-3 बार। कहा जाता है कि कान में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये दबाने से भी काफ़ी फायदा होता है। और इसके अलावा जो गर्दन है इसमें मसाज करनी चाहिए, चाहे खुद करें या फिर किसी दूसरे से करवाएं। यहाँ पे जो नसें होती हैं ये काफ़ी स्ट्रेस रिलीविंग होती हैं। ऐसा 2-3 बार दिन में मसाज करने से भी इसमें बहुत फ़ायदा होता है। अब आयुर्वेद में सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो आयुर्वेद में इसमें बहुत बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे 100% इससे बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है लाक्षादी गूगल। लाक्षादी गूगल इसलिए लेना है बिकॉज लाक्षादी गूगल किसी भी चोट में
हर तरह के इसमें तुरंत बॉडी को रिपेयर करने में काम आता है। तो आपको लाक्षादि गूगल की खाना खाने के बाद, लंच के बाद 2 गोलियां लेनी है और डिनर के बाद 2 गोलियां लेनी है, ये नंबर 1 है। नंबर 2, आपको आयुर्वेद में बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो शिरो रोग में काम आती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ गिनाता हूँ। आपको उनका नस्य भी लेना है और आपको उनका सेवन भी करना है। शुरू करते हैं फटाक से। जैसे कि नंबर 1 है अपराजिता, तो अपराजिता की जड़ लेनी है आपको और थोड़ा सा उसका रस बना करके नाक में 2 बूंद टपकाने हैं और उसके फूल पत्तियों का सेवन भी करना है। और इसी तरह से आप अड़ूसा का भी नस्य ले सकते हैं और अड़ूसा का भी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आप अनार के फूलों का भी नस्य लिया जाता है शिरो रोग को ठीक करने में, और उसके भी पत्तियों का आप सेवन कर सकते हैं। बकुल जो है, मोलश्री, उसके भी फूलों का पाउडर बना करके उसका भी नस्य लिया जाता है, और भांग के पत्तों का भी नस्य लिया जाता है। जोन पुष्पी के पत्तों का थोड़ा सा ऐसा पानी मिला करके और नस्य लिया जाता है, और इसमें छोटी कंटकारी है वो भी, उसका भी नस्य लिया जाता है शिरो रोग में। और पीपली को भी, थोड़ा सा पीपली लेकर के उसको भून करके उसका भी नस्य लिया जाता है, वो भी शिरो रोग में बहुत अच्छी काम करती है। तुलसी का भी नस्य लिया जाता है। इस तरह से जो मैंने आपको ये जड़ी बूटियाँ कुछ गिनाई हैं, उनका आप नस्य भी ले सकते हैं, उनका सेवन भी कर सकते हैं, इससे ये प्रॉब्लम बड़ी तेज़ी से ठीक होगा। और देखते हैं आयुर्वेद में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो गाय का जो घी होता है वो भी शिरो रोग में बहुत काम आता है। 2-2 बूंद गाय के घी नाक में टपकाना है दिन में 2 बार, सोने से पहले 1 बार और 1 बार सुबह, उससे भी शिरो रोग में बहुत अच्छा काम होता है। और पुनर्नवा जो है वो तो हम सब भी जानते हैं, पुनर्नवा वो बॉडी को रिपेयर करता है, तो पुनर्नवा का भी काढ़ा लीजिए, वो भी शिरो रोग में बड़े काम का है। या उसका चूर्ण भी ले सकते हैं, या पुनर्नवा की वटी आती है वो, उसका भी सेवन किया जा सकता है। उसका आदिष्ट आसव भी आता है, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ डीप एक्टिंग जड़ी बूटियां हैं जो कि बॉडी में एकदम अंदर जाकर के बॉडी को रिपेयर करती हैं, वो भी आप अगर लेंगे तो जल्दी आप रिकवर होंगे। जिस तरह से आंवला है, अभी आंवले का सीज़न अभी है, कुछ 1-2 महीना और आंवला मिलेगा, तो आप दिन में 6 आंवले खा सकते हैं, सुबह 2, दोपहर को 2, रात को 2, इससे बॉडी रिपेयर होती है। और इसी तरह से आप भूमि आंवला का भी सेवन कर सकते हैं। भूमि आंवला इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज भूमि आंवला, जैसे कि मैंने भूमि आंवला की वीडियो इस पर वीडियो किया है मैंने, उसमें मैंने खास करके बताया है कि भूमि आंवला का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि वो बॉडी के ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है। तो नस नाड़ियाँ जो वीक हो गई हैं और उसके कारण काफ़ी बार ये कान बजने की समस्या होती है, तो भूमि आंवला का रेगुलर सेवन करेंगे तो नस नाड़ियों को बल मिलेगा और ये आवाज़ बंद हो जाएगा। और मुलेठी भी बड़ी डीप एक्टिंग है, मुलेठी का भी रेगुलर सेवन कीजिए। मुलेठी का भी ये स्वभाव है कि वो शरीर के अंदर जाकर के शरीर को रिपेयर करते हैं, डीप एक्टिंग है। और इसके अलावा अर्जुन की छाल भी आप ले सकते हैं। वैसे तो लाक्षादि गूगल में अर्जुन की छाल होती है, लेकिन आप अलग से अर्जुन के छाल का भी सेवन कर सकते हैं। और भी आयुर्वेद में असंख्य ऑप्शंस है, जैसे कि जटामासी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जटामासी का भी बहुत ही आधा चुटकी जैसा चूर्ण आप सेवन कीजिए, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, ज़्यादा जटामासी ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया जाता है, एकदम आधी चुटकी जैसा जटामासी चाटी है, दिन में 2 बार आप लीजिए, इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो बड़े तेज़ी से कम होगा। और भी ऑप्शंस है, जिस तरह से कपूर है, कपूर को दिन में 4-5 बार सूंघ सकते हैं, उससे भी शिरो रोग कम होता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो कपूर को ना सूंघे, उससे होम्योपैथी मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, हम
ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए अखरोट का सेवन करते हैं, बादाम का सेवन करते हैं, उसका भी आप सेवन कीजिए। और खजूर में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि ब्रेन को स्ट्रांग बनाते हैं। खजूर अगर खाएंगे तो वो भिगो करके खाना है, रात को आधे ग्लास पानी में दो खजूर भिगो करके सुबह उसका सेवन करना है। तो आयुर्वेद में इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इतना भी आप ट्राई करेंगे तो आप देखिए, इसमें से ढूंढिए आपका रास्ता, आप बनाइए। और इसमें से ये काफ़ी है, मुझे लगता है आप 2-3 महीने भी इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर 100% ठीक हो जाएंगे। काफ़ी लोग टेनिटाइटिस होने पर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि ये समझ करके चलिए, ये मान करके चलिए, ये हकीकत है कि ये आपका टेम्पररी फेज़ है, आप इससे जल्दी ही बाहर आने वाले हो। कुछ महीनों का ये सारा खेल है, कुछ महीनों तक ही आपको ये सहन करना है, तब तक उस पर ध्यान मत दीजिए। एक सज्जन बहुत ही डिप्रेस थे, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कहा कि ये आवाज़ कंटिन्यूसली आती रहती है और मुझे मैं तो ये कान निकलवा लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं क्या वाकई आपको बता दूँ, US में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक एक्सीडेंट में एक आदमी के राइट हैंड की नाखून जो है उसके हथेली में घुस गए थे और इवेंचुअली वो हाथ काट देना पड़ा था किसी कारण से। लेकिन वो जो नाखून का हथेलियों में दबने का जो दर्द है, वो हाथ काट देने पर भी वो जा नहीं रहा था, उसका हाथ था नहीं लेकिन फिर भी नाखून हथेली में राइट हैंड के दबे हुए हैं, ऐसा उसको दर्द प्रतीत होता था। तो एक इंडियन डॉक्टर ही था US में, उसने क्या किया, एक डिब्बा लिया, उसके अंदर आईने लगा दिए और उसका लेफ्ट हैंड उसके अंदर उसको रखने के लिए कहा और उसमें आइनों में उसका प्रतिबिंब देख करके और उसका लेफ्ट हैंड खोल बंद करने के लिए उसको कहा। उससे ब्रेन को ये संकेत गया कि उसका राइट हैंड खुल गया है और कुछ दिनों बाद उसका दर्द गायब हो गया। तो माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि चाहे आप इंद्री को निकाल क्यों ना दो, लेकिन अगर दर्द होना है तो वो होगा ही। और इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे अगर आप इसको छोटे लेवल पे रखोगे, अगर अनसुना करोगे तो ये चींटी जैसा होगा और अगर आप इसको ज़्यादा इस पर ध्यान दोगे तो ये एक हाथी जैसा प्रॉब्लम हो जा सकता है और आपको आपका जीना दुश्वार कर देगा ये। तो आप बहुत अगर डिप्रेस हो रहे हो तो आप जस्ट कैलकुलेट करो आवर्स, ये आपको टेनिटाइटिस कितने पूरे दिनचर्या में आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ रात को ही आपको परेशानी होती है मैक्सिमम, पूरे दिन में तो आप आपके काम में व्यस्त होते हैं और आपको पता ही नहीं लगता है कि ऐसी कोई बीमारी है आपको। और ऐसे काफ़ी अलग अलग तरह के बीमारियों से लोग पीड़ित होते हैं, कुछ लोगों को आँख के लेंस के सामने मच्छर जैसा या कीड़े जैसा नज़र आता है बिकॉज उनके लेंस में कचरा आ जाता है, वो भी एक तरह का देखा जाए तो आँखों का टेनिटाइटिस कह सकते हैं। ऐसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, वो बीच में कोई मच्छर जैसा चीज़ आएगी और वो मुझे डिस्टर्ब करेगी, लेकिन उनको उसे अवॉइड कर करके एडजस्ट कर करके लाइफ जीने का ये आदत डालनी पड़ती है। ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, ये उनमें से ही एक है, लेकिन ये क्योरेबल है, ये टेम्पररी है, आपको ये समझना है, आप इससे ज़रूर बाहर आएंगे, डिप्रेस होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप खुद का ना सोचें, काफ़ी बार लोग ज़्यादा डिप्रेस होते हैं बिकॉज वो ये सोचते हैं मुझे मज़ा करनी थी लाइफ में, मुझे अचीव करना था और ये मेरे साथ क्या हो गया। आप खुद के बारे में ना सोचें, आपके बीबी बच्चों के बारे में सोचिए जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके लिए आपने जीना है और उनके लिए आप जी रहे हैं और ये बीमारी आपको रोक नहीं सकती है उनके लाइफ में अच्छा पार्ट प्ले करने से। आपका जो जीवन है वो उनके लिए समर्पित कीजिए, खुद के बारे में ना सोचे तो आप इससे जल्दी बाहर आएंगे। और लाइफ की ये हकीकत है कि तन और मन को हमेशा अलग रखना ही चाहिए, ये बिकॉज तन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ उसको होते ही रहेगा, मन को तन से अलग कर करके और खुश रहना आदमी को आना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माइंड और इंद्री जो है, इंद्रियां जो है, आँखें हैं, कान हैं और माइंड है, ये दोनों अलग चीज़ है। जब हम माइंड इंद्रियों से हटा लेते हैं तो इंद्रियों में कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो,
वो मायने नहीं रखता है। जैसे कि अगर आप रात को सो रहे हैं और आप आपका कान फिर भी बज रहा है, लेकिन बिकॉज आपका माइंड उस इंजरी से हट गया है, तो रात को आपको टेंडेंटाइटिस होते हुए भी आप टेंडेंटाइटिस के पेशेंट नहीं हो। और इसमें ये भी है कि हर एक बॉडी अलग होती है, हर एक पेशेंट अलग होता है, इसलिए जो भी मैंने ये सारे सॉल्यूशंस बताए हैं ये सबके लिए, ये किसको क्या किससे बेनिफिट हो जाएगा ये बताया नहीं जा सकता है। तो मैंने ये इस वीडियो में बहुत सारे सॉल्यूशंस डिस्कस करने की कोशिश की है, उसमें से आप एक्सप्लोर कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और आपका रास्ता आपने खुद निकालना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें से आपका सॉल्यूशन जो आपके बॉडी को सही करेगा वो आप ढूंढने में आप समर्थ रहेंगे और आप इससे जल्द से जल्द आप इससे बाहर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और बहुत इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और इससे बहुत लोगों की जो लाइफ है वो आसान होगी। तो अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।